गिरिडीह विधानसभा के पेसरा भीरिया योगी टांड बेसरिया एवं जोरबाद आदि हरिजन बाहुल्य बस्तियों में शनिवार को भाजपा नेताओं ने जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, विस्तार मोनू उपाध्याय एवं भाजपा नेता चेतू दास सहित अन्य लोग जनसंपर्क करते हुए जन समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क के क्रम में विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त बस्तियां नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जहां सैकड़ों वर्षों से हजारों हजार परिवार के लोग घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उक्त बस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीबों को प्राप्त होने वाले अनेकों सरकारी लाभ मिल रहा है। उक्त बस्तियों में नल जल योजना के तहत कार्य नहीं होने के कारण पानी की सुविधा नहीं है। आशंकित अधिकांश गरीब परिवार, जिसके मकान खपरेल तथा एम्बेसडर सीट लगा हुआ है, टूटने के कारण बरसात के दिनों में बैठकर रात गुजारनी पड़ रही है। नगर निगम द्वारा दिए जा रहे लाइट की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। एक तरफ हेमंत सरकार विकास कार्यों की डोल पीट रही है तथा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर गरीबों को गुमराह कर विगत 2019 विधानसभा चुनाव की तरह गिरिडीह सहित झारखंड की जनता को झूठे वादे के साथ दिग्भ्रमित कर सरकार बनाने का षड्यंत्र कर रही है। जनता उनके झूठे वादों को पूरी तरह समझ चुकी है और झारखंड के डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। जनसंपर्क के दौरान मंगरा भुइया, लालू मुनिया, पूरन भैया, कुंदन दास, सोहन दास, बॉबी कुमार, गुजा देवी, किरण देवी, रेखा देवी, आदित्य कुमार, सुमा देवी, मुनिया देवी सहित सैकड़ों परिवार से मुलाकात कर जन समस्याओं से अवगत हुए तथा उन्हें आश्वासन दिए कि उपरोक्त समस्याओं से संबंधित नगर निगम के पदाधिकारियों से संपर्क कर समस्या के निदान हेतु प्रयास किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 20 और 21 के अंतर्गत जोरबाद, पेसरा बहियार और जोगी टाण में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। यह क्षेत्र जो है सीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत बसा हुआ है, जहाँ हजारों परिवार लोग सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है अभी तक जो है स्वामित्व प्रमाण पत्र मालिकाना हक नहीं दिया गया, जिसके चलते इन लोगों को जो है सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और आश्चर्य की बात है कि यह क्षेत्र जो है गिरिडीह नगर निगम के अंतर्गत है, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक न तो जो है पाइपलाइन बिछाया गया है, पानी की सुविधा है, न किसी को आवास मिल रहा है, जबकि ये टोटल बस्ती अनुसूचित जाति बस्ती है, हरिजन बस्ती है, गरीबों का परिवार यहाँ रहते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ इस नगर निगम क्षेत्र में पढ़ने वाले लोगों को नगर निगम उपायुक्त से भी मांग करते हैं, हम संपर्क भी करेंगे कि आखिर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जब ये क्षेत्र पड़ रहा है, चाहे वो जोगी डांग हो, पेसरा बहियार हो, बसेरिया हो, जोरबाद हो, तो इन क्षेत्रों में जो है पाइपलाइन की सुविधा दिया जाए। यहाँ ताजुब की बात है कि लाइट भी जो है देखे कि बसेरिया उसेरिया में घनी बस्ती है, हरिजन बस्ती का एक भी लाइट नहीं लगाया गया है। तो अभी वहाँ के प्रभारी शंभु प्रसाद सिंह से बात हम किए कि यहाँ पर आप जल्द से जल्द लगाइए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि लगा दिया जाएगा। इसलिए हम उपनगर आयुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं, गरीबों की स्थिति को देखते हुए यहाँ पानी और आवास या अन्य जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको दिया जाए।